साथियों गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और ब्लॉग में। मैं हूं लोकेंद्र फौजदार और आप देख रहे हैं सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। मुझे आशा है आप सभी सही होंगे, मैं एकदम सही हूं, एकदम फर्स्ट क्लास हूं। स्वागत, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज है 23 जनवरी 2023। 23/1/23 अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है। तो आज भी करते हैं कुछ नया, निकलेंगे काम पर, दिखाएंगे आपको आज की यात्रा। बने रहिए मेरे साथ। बाइक धुलवाई थी आज, बिल्कुल चकाचक लग रही है, ज़्यादातर ठीक ठाक लग रही है क्योंकि सन 2013 मॉडल है तो ऐसे ही है। आज एक बेटी को छोड़ दिया स्कूल, आज एक गई नहीं है इसकी, कल कान में दर्द था। टाइम हो चुका है 10, हम खाते हैं खाना और निकलते हैं दुकान। ला भाई आ गया दोस्तों, खाना खा लेते हैं। अभी ना हो चुका है, अब निकलते हैं काम पर। अरे गड्डी खड़ी है बिल्कुल तैयार, चलो सीट फट रही है भाई साहब, ये फट रही अब ऐसे ही। साथियों सुबह से एक काम कर लिया है, अभी टाइम हो गया 11, मैं 10 बजे घर से निकला था, दुकान पे भी गया, सामान भी लेके आया और अब एक दो काम और हजारों का सामान। रास्ता बहुत खराब है, देखो साथियों अस्थावन तो काम कर लियो, ये नदवई बार रोड पर पड़े अब यहाँ से सीधो चल दियो मैं कूट वाले रास्ता पे। तो ये रास्ता तो ठीक लग रहा है, ये रास्ता सीधो निकलेगा कूट और फिर जाऊंगा सही सही से काम करूंगा दो जगह और फिर निकलूंगा कमेर, फिर जाऊंगा अबोरा, फिर जाऊंगा बाबेन। आए तो भाई साहब काम ही काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ आखिर को सुकून सबकी को मिल रहा है, मेरे इनको तो मिल ही रहा हो क्योंकि मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ पीछे पीछे फूल बिल्कुल बसंत। तो कैसा के आप लोग अच्छे लग रहे हो देखो। धन्य प्रभु तेरी माया, और कहूं धूप और कहूं छाया। तो साथियों अभी हो रही थी बरसात, खराब निकला ही धूप, कहीं बरसात और कहीं धूप। आज को मौसम ऐसे ही रहो, रंगीन मौसम रहो आज को, बढ़िया। साथियों सही काम हो गया जैसा कि आपने देखा, और अब मैं पहुंचने वाला हूँ जस्ट 5 मिनट में कुमेर। अब कुमेर से फिर निकलेंगे हम अब और की तरफ। आज की जर्नी जब रास्ते रास्ते की रही है हमारी, बड़े आनंददायक आनंददायक। आज तो अच्छा खासा मोटो ब्लॉग हो गया क्योंकि अब मैं चल दिया हूँ बैंगलोर की तरफ, बैंगलोर और फिर करूँगा अब और काम, तो उसके बाद में मैं पूछूँगा कुमेर दुकान। आज का काम तीन दशागा हो गया, तीन रास्तों में चलते चलते और अब मैं पहुंच चुका हूँ बैंगलोर। तो बैंगलोर में देखिए आपको दिखा देता हूँ चामर माता का मंदिर। ये मैं आ गया, ये है चामर मैया का मंदिर बैंगलोर। जो रास्ता गया हुआ सीधा सौंप टू गया हुआ अभी मैं यहाँ पे। तो साथियों बताना आज का जो मेरा मोटो ब्लॉग है वो कैसा लगा और दिखाते हैं अभी। अब सीधे पहुंचे कुमेर, सबसे पहले मैं बेटी को लेने जाऊंगा स्कूल और फिर उसको घर छोड़ूंगा और उसके बाद में फिर दुकान आऊंगा, एक काम और करूंगा। बेटी को लेके आ गया घर और एक बना रही है चाय, आज छोटी चाय बना रही है बेटा, देखो बहुत अच्छी चाय बनाएगी, कड़क एंड फड़क थोड़ी लेके आइए बेटा, है ना। चाय पी ले फिर एक काम और रहेगा और करेंगे। छोटी बेटी ने चाय बनाई है टॉप, बड़ी बेटी टॉप बना पे, पर चाय दोनों ने मतलब चाय तो दोनों ही अच्छी बनावे पर अच्छी बनी है चाय, टेस्ट मज़ा आएगा, मुँह फ्री खावे लग रही है तनु और रुचि कर रही है, मुँह फ्री नुकावे लग रही है बेटा, मोको ददला नौका नौका के छावास। मौसम बादल एकदम बरसात सी है जाए, गाड़ी बिक गई जय श्री श्याम। अच्छा केक का ये का बेटा, चलो मैं काम कर रहा हूँ खोलियो। दूसरा तीसरा फिर पहुँच गया काम भाई साहब, कैव राउंड करके आएंगे बार जा रहे हैं, मैं तो टोपा पहन के रखे तो 12 से आ जाएंगे जन
खाते हैं गजन्ना है, क्या माहौल है। हाँ बेटा इन पर टीवी देख लो काम, बेटा पढ़ लिया करो ने कहा देर, बेटा पढ़ लियो ने कहा देर, जी जी पढ़ लियो ने कहा देर, तुम्हारे हाथ जोरू बैठे कहाँ सो रहे हैं तुम, पढ़ के पढ़ के बैठे हैं तुम, पढ़ के सो रही हैं, टीवी देखो लग रही है ना भाई, सही बात कर रहे हो, गुस्सा कर रही फिर बालकन पे। लाइट का बोर्ड बना के लग रहा हूँ, बैठ रही चुपचाप, गाने सुने लग रही है और सब्जी बना रही है, काय की बना रही है, काय की सब्जी बना रही है, मटर मटर प्याज टमाटर मतलब चटनी टाइप्स, चटनी टाइप्स बना ले, बाजार से सामान लेके आए बाजार को, बिल 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 नो, ये वाला जो बिजनेस है ना, मतलब जो बॉक्स दरे का ये डीजे वाले बॉक्स हैं, होम थिएटर वाले, ये चालू करेंगे हम दोबारा, इन्हें बना के और बेचे करेंगे, पहले भी बहुत बना के बेचे मैंने भाई साहब, देसी होम थिएटर इतना गजब बने हो, मज़ा आ जाओ, बहुत बना के बेचे मैंने, 10-15 ट्रायल करो अपने आप ही अपने आतन पर, साउंड वगैरह आते बात है, आनंद आएगा, फिर बनाओ प्रयास जारी है। रुचि के द्वारा बनाई भाई सब्जी के द्वारा, हाँ रुचि ने बनाई है। ओहो गाने बंद, चले बेटा खाना खावे हैं, पार्टी अलग खावे लग रही है। ओह इधर कैसी बनी है सब्जी, एक नंबर बेटी ने अच्छी सब्जी बनाई है, टॉप एक नंबर सब्जी बनाई है, टॉप खाना खा ले। हम तो हमारे तनु के कान में दर्द है, कोई अगर भरतपुर में बढ़िया सो डॉक्टर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताओ कि भरतपुर में कान को डॉक्टर सबसे बढ़िया कौन सा है, या कि दोनों कानों में गले में, यानी ENT के डॉक्टर से आगे संपर्क कराऊंगा कल। काकर लेके आइए हम, लहसुन है और तेल गरम करके लाई हूँ, लहसुन जला दियो या तो कान में डालूंगी, कान को दर्द बंद है जाओ। अच्छा कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए ना, लहसुन भी फायदा है, लहसुन के फायदा है, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, और हाँ साथियों अभी हम बहुत ही जल्दी Q&A वीडियो और लाने वाले हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, तो मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डालूंगा, जिस किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे, या फिर आपका कोई भी प्रश्न हो यूनिक्सा हो, तो उसका जवाब हम जल्दी ही यानी लगभग 1 फरवरी को हम Q&A वीडियो का वो रखेंगे, उसको बनाएंगे हम 31 जनवरी को बना देंगे, और उसके बाद में 1 फरवरी को वो Q&A वीडियो आ जाएंगे। मुझे आशा है आप कम्युनिटी पे जाएंगे और अपना क्वेश्चन आंसर जो भी होगा उसको डाल देंगे, ठीक है साथियों, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं एक बार नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।